क्या बोल रहे हो? समझ में रखो क्या करोगे तुम। जय पुकार दुकान वाली, जय पुकार दुकान वाली। शाजापुर कलेक्टर किशोर सान्याल को ड्राइवर से औकात पूछना भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल को हटा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, हम लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हरेक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब के काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। दरअसल शाजापुर जिलाधिकारी का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वो एक बैठक के दौरान एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछते नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने के बाद जिलाधिकारी किशोर कान्याल ने इस बात को लेकर अफसोस भी जताया था और माफी मांगी थी। हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज़ को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि समय 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होते। बता दें, ड्राइवर से विवाद से पहले कलेक्टर किशोर कान्याल अपनी बिटिया की शादी को लेकर चर्चा में आए थे। किशोर कान्याल जब ग्वालियर में नगर निगम के कमिश्नर थे तब उनकी बेटी की शादी हुई थी। बेटी की शादी में उन्होंने सादगी की मिसाल पेश की थी। इस शादी में उन्होंने बेसहारा लोगों को होटल में बुलाकर खाना खिलाया था। किशोर कान्याल ने खुद ही वहां आए लोगों को खाना परोसा था। इसके बाद गिफ्ट के साथ लोगों को विदा किया था। इसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। बता दें, IAS अफसर किशोर कान्याल राज्य सेवा के अधिकारी रहे हैं। 2013 में प्रमोशन पाकर वो IAS अधिकारी बने हैं। दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज से उन्होंने मास्टर्स किया, इसके साथ ही LLB भी किया है। शाजापुर के कलेक्टर बनने से पहले वो ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर भी रहे हैं। इसके साथ ही वो अन्य विभागों में भी कार्यरत रहे हैं। IAS अफसर किशोर कान्याल शाजापुर के 41वें कलेक्टर थे। अप्रैल 2023 में उन्होंने शाजापुर कलेक्टर के रूप में काम संभाला था। क्या बोल रहे हो? समझ में रखो, क्या करोगे तुम? जय पुकार दुकान वाली। यही तो चीज है सर, यही लड़ाई हमारी कोई।